आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि कंधे कैसे चौड़े करे जाए, क्योंकि आपको जानते ही अगर कंधे आपके चौड़े ना हो तो वो बहुत बेकार लगते हैं। आपकी बॉडी जो पूरी पोस्चर आनी चाहिए वो पोस्चर आ नहीं पा रही है, तो कंधे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंधे वाइड दिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इसी के लिए आज ये वीडियो है। आपको अगर कंधे चौड़े हैं तो पूरी फुल वीडियो देखिएगा, एक भी स्टेप आप मिस मत करिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो आपको एक्सरसाइज है उसका नाम है लैटरल राइजेस। तो इसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं लैटरल राइजेस को, इसको आपको तीन सेट मारने हैं 12 रेपिटेशन है। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर के, आपको पता ही है मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपके शोल्डर के तीन मसल होते हैं, पहले ऊपर वाली, फिर बीच वाली, फिर नीचे वाली। इससे आपके ऊपर वाली और बीच वाली आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन होंगे, इसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। सेकेंड आपकी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी अप राइट रो, इसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इसकी भी सेम आपको 3x12 मतलब तीन सेट मारने हैं 12 रेपिटेशन के। इसको अगर परफॉर्म करते हैं तो इससे आपके तीनों जो आपके मसल्स हैं शोल्डर के आपके, वो बहुत ज़्यादा विजिबल दिखेंगे, आपको वाइड दिखेंगे। इसको कुछ तरीके से परफॉर्म करना है आपको, और आप कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि मैं सारी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जी बता रहा हूँ, उसमें आपको रेस्ट कम से कम लेना है, 1 मिनट का रेस्ट लेना है। क्योंकि आपको पता है कि आप ज़्यादा रेस्ट ले लेंगे तो आपकी जो वार्म जो गर्म बॉडी है आपकी वो भाई ठंडी हो जाएगी, फिर फायदा नहीं करेगा। तो कम से कम 1 मिनट का रेस्ट लेना, उसके बाद आपको फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो जो तीसरी है जो एक्सरसाइज है वो है बेंड ओवर फ्लाइज, उसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसकी भी आपको 3x12 मतलब तीन सेट मारने हैं 12 रेपिटेशन के। तो इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है, और बिल्कुल जैसे कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल सेम ये पोजीशन होनी चाहिए। कई बार ये मैंने गलत मार देते हैं, इनको नहीं आता, तो हो सके तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा वीडियो किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सेम इसी पोजीशन में आपको करना है। जो फोर्थ है आपकी एक्सरसाइज वो है डंबल प्रेस, उसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इस डंबल प्रेस को करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका वेट है वो बिल्कुल आपके शोल्डर पर लगना चाहिए। काफ़ी बार होता है कि वेट आपके शोल्डर पर लगता नहीं है, उसको गलत परफॉर्म कर देते हैं, कई बार हमारे भाई बंधु गलत परफॉर्म कर देते हैं। तो इस बातों को ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। जो फिफ्थ है फ्रंट रेजिस, इसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से परफॉर्म करने पे आपको जो भी तीनों जो शोल्डर के आपके मसल्स हैं वो ज़्यादा ग्रो हो पाएंगे, आपके वाइड दिख पाएंगे। और वादा करता हूँ मैं, अगर आपने ये पाँचों स्टेप अपने फॉलो कर लिए तो आपके शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा आपको वाइड दिखने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा आपको विजिबल दिखने वाले हैं, और आप बिल्कुल अलग भीड़ से अलग लगेंगे। पर लेकिन सर ये जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं बिल्कुल रेगुलर फॉलो करने हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।